और चलिए रुक कर रहे हैं राजधानी भोपाल का, जहां इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षकों से बात कर रहे हैं। शिक्षक दिवस पर अपना संबोधन देंगे। समाचार प्राप्त हो यही मंच पर शिक्षा अधिकारी महोदय दिखेगा नहीं, एलईडी नहीं है वो, प्रोजेक्टर है। तो कम करो ना उसके। आनो भद्रा कतो यंतु, सभी दिशाओं से शुभ और श्रेष्ठ समाचार प्राप्त हो यही हमारी मंगल कामना है, यही हमारी भावना है। और इस संपूर्ण आयोजन के प्रमुख श्री आनंद शर्मा जी, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से अनुरोध है कि वे सतीश मालवी जी का आत्मीय स्वागत करें, मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें श्री आनंद शर्मा जी का। और साथ ही मंच पर विराजित श्रीमती दुर्गा शक्ति सिंह चौधरी जी का भी स्वागत करें। श्री अनिल जैन कालवेड़ा जी विधायक का भी आत्मीय अभिनंदन। गुरु बिन ज्ञान नहीं और गुरु बिन उद्धार नहीं। आइए सरस्वती वंदना माँ वीणावाणी सरस्वती के को स्मरण करते हुए शिक्षा विभाग की अधिष्ठात्री देवी वीणावाणी की वंदना के लिए अनुरोध है। उत्कृष्ट विद्यालय की शिक्षिका शेफाली जी एवं समस्त छात्रा आ
सुंदर पुष्पों से सरस गीतों से स्वागत होता है अधूरा, भावों की शुभनांजलि से स्वागत होता है पूरा। अपने हृदय की उमड़ती घुमड़ती भावना कि आपके जो मार्गदर्शक हैं, हमारे मुखिया, प्रदेश के मुखिया और हमारी विधानसभा क्षेत्र के मुखिया, हमारे अपने लाड़ले मुख्यमंत्री आपके बीच में विराजमान है। और आप सभी को ज्ञात है कि परसों हमारे पूज्य बाबूजी का दुखद स्वर्गावस्थान हुआ था। उसके बावजूद कल रात को माननीय ने यह संदेश दिया कि नहीं, हम शिक्षकों के साथ बैठेंगे, उनके सम्मान में उनके कोई कमी नहीं होगी। तो मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित भी कर रहा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि वे यहाँ पधारे हैं। गत वर्ष की तुलना में हमारा हाई स्कूल का रिजल्ट भी बढ़ा है और हायर सेकेंडरी स्कूल 12वीं का रिजल्ट भी हमने आप सबकी मदद से, आप सबके सहयोग से उसमें भी वृद्धि की है। इसके लिए मैं पुनः आप सभी को बधाई देता हूं। मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय माननीय अतिथियों का हम शिक्षा विभाग की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यह है अपना देश, यहाँ है मर्यादाओं का वेश, प्रेम का कुशल भरा व्यवहार, यहाँ होता सदैव शिक्षक का सम्मान। शिक्षा संजीवनी और शिक्षक सुषेण वैद्य की तरह है। और अब बारी है उन शिक्षकों की जिनके चेहरों पर आज आनंद है, माननीय उमेश नाथ जी महाराज साहब, राज्यसभा सदस्य, हमारे बीच मध्य पधार चुके। एक बार करतल ध्वनि से आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं अनुरोध करूंगा माननीय गुरुजी के स्वागत के लिए, आत्मीय स्वागत के लिए, जिला शिक्षा अधिकारी आदरणीय आनंद शर्मा साहब। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मध्य अनिल जैन साहब, दो दो अनिल जैन साहब आज मंच पर उपस्थित हैं और जोरदार तालियां आपके कार्यक्रम में अभिवृद्धि करें। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जीवाजीगंज, एस बोरखेड़िया जी, एस बोरखेड़िया जी, और बहुत ही हर्ष का विषय है, उज्जैन जिले में सम्मानित होने वाले वो विद्यालय जिन्हें आईएसओ सर्टिफाइड विद्यालय के रूप में चयनित किया गया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन द्वारा यह आईएसओ अवार्ड दिया जा रहा है। और इस आईएसओ अवार्ड के लिए सबसे पहले आमंत्रित है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराजवाड़ा क्रमांक 2 उज्जैन, अशोक सक्सेना जी। आप राज्यपाल पुरस्कार से भी सम्मानित हैं, श्री अशोक सक्सेना। इसी क्रम में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फाजलपुरा उज्जैन, श्रीमती स्मृति करंजगांवकर जी, स्मृति करंजगांवकर जी। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मॉडल उज्जैन, श्री पदम सिंह चौहान, श्री पदम सिंह चौहान। हमारे मध्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उर्दू, श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव जी भी उपस्थित हो चुकी हैं। कृपया उनसे भी आग्रह है कि वे भी, बस लास्ट, ये आईएसओ अवार्ड दिया गया है पदम सिंह चौहान। श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव तोपखाना उर्दू मदार गेट की प्राचार्य हैं। और एक बार जरा जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें, अभिनंदन करें। कहा जाता है कि कवच अवेद पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा, रण में जाने के लिए कवच की पूजा, किसी श्रेष्ठ कार्य करने के लिए ब्राह्मण की पूजा और गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए गुरु की पूजा की जाती है। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करने के लिए आज शिक्षकों का विशिष्ट अभिनंदन महाकाल की नगरी उज्जैनी में किया। आइए अब
आमंत्रण है उज्जैन उत्तर के विधायक माननीय अनिल जैन कालोड़ा जी को जोरदार करतल ध्वनि के साथ वे आए और आज के इस अवसर पर ओजस्वी भाषण प्रदान करें। बोलिए भारत माता की। शिक्षक दिवस के अवसर पर उपस्थित आज बड़ा वेदना भरा भी कार्यक्रम है, पर जिन्होंने राष्ट्र धर्म को प्रथम माना, जिन्होंने राष्ट्र की पूजा ही और मध्य प्रदेश के 7 करोड़ जनता को भगवान माना, ऐसे व्यक्तित्व जो अपने पिताजी के न रहने के बावजूद भी हम सब में से भी यदि कोई व्यक्ति ऐसा ध्यान में आता है कि अपने को कहीं चलना है तो वो बोलता है कि हम 13 दिन कहीं नहीं जाएंगे, परंतु जिन्होंने नेशन फर्स्ट की अवधारणा को लेकर के प्रथम गुरु अपने पिता से जिन्होंने पाठ सीखा, उसके बाद आप सभी गुरु वृंद से जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की, ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में उपस्थित है। हमारे बीच में बाल योगी उमेश नाथ जी, राज्यसभा के सम्माननीय सांसद जी, हमारे बीच में हमारे विधायक साथी भाई सतीश जी, भारतीय जनता पार्टी के उज्जैन ग्रामीण के सम्माननीय अध्यक्ष बहादुर सिंह जी, हमारी यहाँ की पार्षद इस क्षेत्र की लोकप्रिय चौधरी भाभी और उपस्थित सभी अधिकारी गण, सभी शिक्षक गण, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवाय महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मय श्री गुरुवै नमः। गुरु जी के लिए मैं सभी के लिए, सभी के श्री चरणों में मैं वंदन करता हूं और आशा और विश्वास करता हूं कि जिस भावना को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र को प्रथम माना, और राष्ट्र को प्रथम मानने के साथ साथ आप गुरुओं के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है वर्तमान युग में, जब 3D कल्चर का बोलबाला है, ड्रग ड्रिंक एंड डांस 3D कल्चर का बोलबाला है, उसमें अच्छी शिक्षा और अच्छे कैंपस का वातावरण बना करके हम आने वाली भावी पीढ़ी का निर्माण एक अच्छे से कर पाए, तब जाकर के आज मुख्यमंत्री जी का आना सार्थक होगा। मैं आज भाषण का अवसर नहीं है, मैं एक बार पुनः संवेदनशील मुख्यमंत्री जी को आज के इस अवसर पर, आज सुबह सुबह जब मैंने पेपर पढ़ा तो आप कल पिताजी के दाह संस्कार के बाद झाबुआ और धार में कुछ घटनाएं हो गई तो वहां के लिए चिंतित थे और लगातार वहां का निर्देशन कर रहे थे, पूरे प्रदेश की जानकारी ले रहे थे, क्योंकि जिन्होंने, मैंने कहा है कि राष्ट्र प्रथम, ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी को आज सभी गुरुओं की ओर से भी और आप सबकी ओर से भी मैं वास्तव में धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका वंदन करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद। उठो हे देव, जगाओ गीत, गुजाओ शिक्षा का संगीत, हृदय के तारों की झनकार, नया स्वर रच देना ओ संसार। शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्पित उज्जैन शहर और मध्य प्रदेश के गौरव डॉक्टर मोहन यादव जी को मैं नहीं बल्कि आपकी जोरदार करतल ध्वनि आमंत्रित करेगी आशीर्वचन के लिए। शिक्षक सम्मान समारोह 5 सितंबर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी के, एक तरह से ये मान के चले कि उनके शिष्यों ने जब उनसे आग्रह किया कि वे अपना जन्म दिवस मनाए और वो उनने कहा मेरा जन्म दिवस मत मनाओ, और मनाना है तो शिक्षक दिवस मनाओ। आजादी के बाद ऐसी कई परंपराएं हमको प्रारंभ करने के लिए ऐसे कई महापुरुषों से प्रेरणाएं मिली है, मैं आज के दिन उनको भी स्मरण कर रहा हूं और हमारी अपनी दुविधा भी बताता हूं। मंच पर विराजमान
माननीय राज्यसभा के सांसद बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज साहब, माननीय विधायक श्रीमान अनिल जैन कालूहड़ा जी उज्जैन उत्तर, माननीय विधायक सतीश मालवी जी, विधायक घटिया, इस अवसर पर यहाँ की सक्रिय पार्षद श्रीमती दुर्गा शक्ति सिंह चौधरी, हमारे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष और भाजपा के जिला अध्यक्ष मंचस्थ सभी अतिथिगण, इस अवसर पर सभी सम्मानित होने वाले सम्मानित शिक्षकगण, बड़ी संख्या में सभी उपस्थित आगंतुक अतिथिगण, अधिकारीगण, पत्रकार साथियों, बोली भाषा इसका क्रमशः विकास होता जाता है। अभी मैं प्रश्न अगर उठाऊं कि बोली से भाषा में आने के लिए जब बोली भाषा में बदलती है तो भाषा से बोली का विकास, जैसे हिंदी का विकास, अगर हम इसके अतीत में जाएं तो 1000 साल का हमारे हिंदी का विकास हुआ है। और हिंदी की मात्र भाषा अगर पकड़े तो संस्कृत है, और बोली पकड़े तो अपने देश की अलग अलग, खास करके खड़ी भाषा से हमारी अपनी हिंदी का प्रादुर्भाव हुआ। समय के साथ शब्द बढ़ते गए तो इसमें बड़ी भूमिका तुलसीदास जी की भी है। जब उनने संस्कृत के प्रकांड विद्वान होने के बाद भी वो चाहते तो संस्कृत में रामायण की रचना करते, लेकिन वाल्मीकि रामायण थी पहले से, लेकिन सर्वसुलभ भाषा में हिंदी को एक तरह से समाज में प्रतिष्ठापित करने के लिए बड़ी भूमिका उनकी रही। मैं ये थोड़ी भूमिका इसलिए बता रहा हूं, थोड़ी देर बाद में मुद्दे पे आऊंगा। हमारी अपनी इसी भूमिका में, जैसे संस्कृत के ज्ञाता होने के बावजूद भी हमारी बोली में रामायण को लिख करके हिंदी का मार्ग प्रशस्त अगर किसी ने किया है तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। घर घर रामायण पहुंचा दी और घर घर भगवान राम के चरित्र को गाने के लिए जनता को साथ में खड़ा करने का मौका दिया। और हिंदी और संस्कृत की भाषा के शब्दों को अगर अंतर पकड़े तो लगभग 8.5 करोड़ शब्द संस्कृत भाषा में है, और हिंदी के इस 1000 साल की यात्रा में 17,500 शब्द अभी हमारे सामने जुड़े हैं। और हिंदी के लिए बड़ी भूमिका माधव सप्रे जी ने निभाई, जिनके शिष्यगण एक से बढ़कर एक, आप नाम देखो, हमारे स्वनाम धन्य बड़े बड़े पत्रकार, कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी से लगा करके सारे के सारे, जिन्होंने 20वीं शताब्दी में हिंदी की यात्रा में बड़ी भूमिका अदा की। और उसी क्रम में एक संकट हमारे सामने आजादी के बाद खड़ा हुआ कि जब हम हिंदी में शब्द गुरु ढूंढे तो गुरु हिंदी का शब्द नहीं है, गुरु शब्द संस्कृत से आता है। हिंदी में शिक्षक पे अटकती गाड़ी, तो सवाल यह उठता कि शिक्षक और गुरु का अंतर करें, तो शिक्षक और गुरु का अंतर करना यह थोड़ा हमारे सामने धर्म संकट भी खड़ा करता है। लेकिन हमको अपनी भावना से, चूंकि हम तो जैसे आयुर्वेद के पास जाओगे वो दुनिया में जीवन व्यतीत करते हैं, तो दुनिया के अंदर माखन के ऊपर कुछ नहीं है, दूध होगा, दही होगा, माखन बनेगा, माखन के बाद यूरोप सहित कहीं भी एशिया के दूसरे देशों में चले जाओ, दक्षिण एशिया में आओगे तो माखन को गर्म कर दो तो घी मिलेगा। ये जहां जहां आयुर्वेद वहीं मिलने वाला, बाकी जगह मिलने वाला नहीं है, ये हमारी प्राचीन परंपराओं से जोड़ता है। उसी प्रकार से चूंकि हम अपने गुरु शिष्य परंपरा को जानते हैं और गुरु की बात करते हैं तो हमारी अतीत की सनातन संस्कृति तक हम जुड़ जाते हैं, और सनातन संस्कृति की जहां भी झलक मिलेगी
वहां गुरु की महत्ता गुरु की जगह रहेगी, शिक्षक की महत्ता शिक्षक की जगह रहेगी। और गुरु शिक्षक में अंतर करोगे तो बहुत सरलता से कोई समझाने जाएगा तो शिक्षक वो जो सिलेबस से पढ़ाए सरल भाषा में, और जो सिलेबस के ऊपर है वो गुरु है। सिलेबस बनाने के लिए एक अपना अध्ययन मंडल बनता है, वो अध्ययन मंडल डिसाइड करता है कि सिलेबस क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या आना चाहिए। इसलिए शिक्षक के आगे प्रशिक्षक आता है और शिक्षक गुरु के आगे कोई आगे ना पीछे, दोनों की अपने आप में हमारी उनकी अपनी वैसे तो तुलना ही बेमानी, लेकिन शिक्षक भी गुरु हो सकता है। ऐसा नहीं कि शिक्षक गुरु नहीं हो सकता, लेकिन गुरु होने के लिए शिक्षा की तरीके और शिक्षक होने के लिए उसकी अपनी सीमा में बात करेगा, पाठ्यक्रम में बात करेगा। गुरु इस जीवन की भी और जीवन की पूर्णता के बाद की भी हमकी हमारे ऊपर माता पिता के समान एक आश्रय की छाया छोड़ता है, लेकिन इसमें फर्क आ जाता है। जैसे हम पाठ्यक्रम के अंदर जाते हैं तो हमारे अलग अलग सब्जेक्ट बढ़ते जाएंगे, और जब सब्जेक्ट बढ़ते जाएंगे तो सब्जेक्ट में निष्णात होना चाहिए। इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस बड़े संकट को निपटाने के लिए थोड़ी भूमिका हमारी भी है। जब हमने कुलपतियों का नाम बदल के कुलगुरु करने का प्रयास किया हमारी सरकार के माध्यम से, कि गुरु की बात करते ही गुरु से हमने अगर संधि विच्छेद में अर्थ संस्कृत में भी समझने का प्रयास करेंगे तो जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला है उसका मतलब गुरु है। गुरु कोई कर्मकांड के आधार पर नहीं बोलते, और इसीलिए हम उनकी भूमिका तलाशते हैं। अंधेरे से प्रकाश की ले जाने वाले इस परंपरा में आप कभी कल्पना करो, भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अपने लौकिक जीवन की सारी व्यवस्था के साथ शिक्षा दीक्षा भी कर दिए, लेकिन महर्षि विश्वामित्र जब उनके पास आए तब वो उनके आश्रम में कोई गुरुकुल तो नहीं ले गए थे, लेकिन बगल में राक्षसों के आतंक से त्रस्त होकर के नन्ने नन्ने बालकों में सुकुमार, नन्ने तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन लौकिक दुनिया से परिचय कराने के लिए गुरु ने ढूंढा अपना शिष्य। ये उसी प्रकार से जैसे परमहंस जी ने विवेकानंद को ढूंढा था, विवेकानंद की जिज्ञासा को शांत किया, और ये हर काल में हर युग में अर्जुन द्रोणाचार्य के माध्यम से दुनिया में अलग पहचान पाते हैं, सांदीपनी के माध्यम से श्री कृष्ण अपनी पहचान पाते हैं। ये गुरुओं ने अपने शिष्य को ढूंढा या शिष्य ने गुरु को ढूंढा, ये एक विषय लंबा हो सकता, लेकिन आप कल्पना करो अगर विश्वामित्र के संपर्क में भगवान श्री राम नहीं आते तो बात की रामायण पे क्या क्या होता हम कल्पना कर सकते। कहा वो जंगल में आतंकवादियों को या उस समय के राक्षसों को अंत करते हैं, गुरु और उत्साहित होते हैं। पहले तो दशरथ महाराज ने कहा था कि क्यों हमारे सुकुमार को ले जा रहे हो, आप मेरी सेना ले जाओ, मेरे को ले जाओ। क्या ऐसा भी हो सकता है कि गुरु ने ये चीज देख ली कि जो भगवान श्री राम कर सकते वो सेना नहीं कर सकती, और सेना कर लेती तो राम जी को क्यों ले जाना पड़ता, ज्यादा दूर थोड़ी था जंगल, जंगल तो पास ही था, और हड्डियों के ढेर लग गए इतने बड़े बड़े। ये हमारी सत्ता की व्यवस्था में आने वाली चूक का प्रमाण भी है, राजा भी है, सेना भी है, व्यवस्था भी है, लेकिन अव्यवस्था भी पास में थी। उस अव्यवस्था को सुव्यवस्था बदलने के लिए गुरु की दीर्घ दृष्टि की जरूरत पड़ती, और गुरु ने देखा कि इसके लिए एक साथ दोनों काम कितने बड़े बड़े कर दिए उनने, भगवान राम और लक्ष्मण का पुरुषार्थ जगाने का, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का, और एक कॉन्फिडेंस बढ़ा तो दूसरा कॉन्फिडेंस कि चलो जनक महाराज ने बड़ा यज्ञ, और वो तो क्या बोलते हैं उसको स्वयंवर, और कठिन परीक्षा थी। कभी कल्पना करो कि विश्वामित्र जी के साथ अगर भगवान राम लक्ष्मण नहीं जाते तो क्या होता, सीता माता से उनका विवाह होता है और धनुष का भंग होने का सारा घटनाक्रम मालूम है। लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात, ये गुरु के आने जैसे हमने कभी
लोहे को पारस होते नहीं देखा, लेकिन गुरु के संपर्क में आते हुए ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने मिलेंगे कि योग्य गुरु मिलता है और उसका विवेकानंद के नाते से अब 20वीं शताब्दी में हम सब देखते हैं, जहां बीएससी के विद्यार्थी भगवान पे विश्वास नहीं करते, भगवान भी देखते हैं और एक बार भगवान देखा तो सच्चे अर्थों में अपने जवाबदारी वाली जगह से बोल सकते हैं कि दोबारा भगवान देखने की इच्छा नहीं की, क्योंकि भगवान की भावना क्या है, वो भावना पकड़ने की देर है और भावना सारे कष्ट सारी परेशानी व्यक्ति के जीवन मात्र के सारे दुख हर लो तो भगवान अपने आप मिल जाएगा। ये परमात्मा ने अंदर से प्रेरणा देने के लिए हमको ये शरीर मन बुद्धि आत्मा का पुतला दिया है। तो मैं आज के इस अवसर पर सभी शिक्षकों के लिए, इसलिए मेरे मित्र ने एक विषय निकाला, उन्होंने कहा कि दो दिन पहले मेरे पिता का देहावसान हुआ, तो ये बात सही है कि लौकिक दुनिया की दृष्टि से हम इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में तो आज भी जीवित, उनकी शिक्षा अपने साथ है जीवन भर रहने वाली, यही तो आनंद है, उनकी शिक्षा को तो पाल के रहे। शरीर तो क्षण भंगुर है, नष्ट होना ही है, लेकिन दी गई शिक्षा है और सही अर्थ में तो उनकी पवित्र आत्मा के साथ पिता का वो तो शरीर बचा है। और शरीर के लिए हमको कब तक इन सारी व्यवस्था को रोकना, जब हम शपथ लेते तो सत्य मार्ग के साथ समय का सदुपयोग करने की बात भी करते हैं और वो समूचा निचोड़ इसी में आता है, जो जवाबदारी मिले उस जवाबदारी में डूब करके काम करो। मैं आज के इस अवसर पर सभी सम्मानित होने वाले शिक्षकों के प्रति भी मेरी सद्भावना देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आपने उत्कृष्ट कार्य किया, आपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया अलग अलग प्रकार से, आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नव दिशा नव जागरण किया समय सत्कार, आप पधारे शिक्षक सम्मान समारोह में, बहुत बहुत आभार। आभार का प्रकटीकरण देवत्व है, मनुष्यत्व है, आर्यत्व है। आभार प्रदर्शन के लिए श्री गिरीश तिवारी जी, इसके बाद श्रद्धांजलि मौन श्रद्धांजलि होगी, सभी यहाँ उपस्थित रहे। आज के इस शिक्षक दिवस कार्यक्रम में हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री साहब माननीय डॉक्टर मोहन यादव साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आप कर्म की मूर्ति हैं, जैसे देख रहे हैं जिस प्रकार से उनके ग्रह में होने के बावजूद हम लोगों के बीच में, हम बहुत बहुत उनके आभारी हैं और उनको दिल से प्रणाम करते हैं। मैं सभी से चाहूंगा सभी हाथ जोड़कर सर का अभिवादन करें। सर हमारे राज्यसभा सांसद साहब बाल योगी श्री उमेश नाथ जी महाराज, सबका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से। माननीय विधायक श्री अनिल जैन कालूवाला साहब, बहुत बहुत आभार। सभी मंचासीन अतिथियों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। घर की बुनियादे दीवारे नामो दर थे बाबू जी, सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबू जी। परम श्रद्धेय पूज्य पूनम चंद जी यादव साहब को हम मौन श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आप कृपया स्थान पर खड़े हो जाएं। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद, सभी का पुनः आभार, शुक्रिया।